स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक नया ब्लॉक लेकर आए हैं जिसका हम लोगों को खड़े एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू साइड व्यू टॉपिक बनाना है। तो ये सबसे पहले इसकी लेंथ तो राइट चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसकी लेंथ 154 मिलीमीटर है, इसकी ब्रेथ 53 मिलीमीटर है और इसकी हाइट 103 मिलीमीटर है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फ्रंट व्यू साइड व्यू और टॉपिक के बक्से बना के, तो ये सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू देखते हैं दोस्तों। फ्रंट व्यू में हम लोग 36 मिलीमीटर पर एक वर्टिकल लाइन दिखाई देंगे तो हम लोग वो बना लेते हैं। दोस्तों हम लोग जो ये वाली लाइन ऊपर 44 मिलीमीटर और नीचे 44 मिलीमीटर पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम लोग वो बना लेते हैं। दोस्तों ऐसे स्लाइस को रिलीज कर देते हैं दोस्तों। कॉर्नर से 45 मिलीमीटर पर एक हमें एक फोर्क दिखाई दे रहा है तो हम लोग 45 मिलीमीटर लेकर वर्टिकल लाइन बना लेते हैं। दोस्तों जो ये फोर्क है उसकी टोटल लंबाई जो 60 मिलीमीटर है, तो अगर ये 103 मिलीमीटर है और 60 मिलीमीटर इसमें से माइनस हो जाता है 21.5 ऊपर और 21.5 नीचे बचेगा तो हम लोग वो ले लेते हैं। दोस्तों ये 15 मिलीमीटर और 15 मिलीमीटर पर एक हॉलो पोर्शन है तो हम लोग वो बना लेते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज को रेज कर देते हैं दोस्तों। यहां पर ये वाली लाइन हम लोगों को डॉटेड दिखाई दे रही तो हम उसको डॉटेड कर देते हैं। दोस्तों अब हम लोगों को यहां पर दो बोल लिखे दे रहे हैं जो 15 मिलीमीटर डायर के हैं तो हम लोग वो बना लेते हैं। दोस्तों जो ये होल है इनका सेंटर यहां से ये 18 मिलीमीटर है और यहां से 26 मिलीमीटर है तो हम लोग जब डायमेंशन करेंगे तो हम कर देंगे तो इस प्रकार से हमारा फ्रंट व्यू तैयार होगा। दोस्तों अब हम लोग साइड व्यू बनाते हैं। दोस्तों साइड व्यू में हम लोगों को 15 मिलीमीटर पर एक वर्टिकल लाइन दिखाई देती है तो हम लोग वो बना देते हैं।
दोस्तों जो ये फोर्क है इसकी लाइनें हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगी, तो हम लोग वो बना लेते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज को इरेज कर देते हैं। दोस्तों जो ये फोर्क की आर्म है ये हम लोगों को डॉटेड दिखाई देगी, तो हम लोग वो डॉटेड बना देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा साइड व्यू तैयार हो गया। दोस्तों साइड व्यू में हम लोग जो ये होल्स हैं इनकी भी डॉटेड लाइन दिखाई देगी, तो हम लोग इन्हीं होल्स की पोजीशंस लेके बना देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा फ्रंट व्यू साइड व्यू तैयार हो गया। हम लोग टॉप व्यू देखते हैं। दोस्तों टॉप व्यू में हम लोगों को ये वाली लाइन वर्टिकल दिखाई दे रही है, तो हम लोग वो बना लेते हैं। दोस्तों ये वाली लाइन भी हम लोग को टॉप व्यू दिखाई देगी, हम लोग ये भी बना लेते हैं। दोस्तों हम लोग ऊपर से 15 मिलीमीटर जो ये वाला पोर्शन है वो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से 15 मिलीमीटर ले लेते हैं। दोस्तों एसएस लेंस को रेज कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को जो ये होल है उसकी डॉटेड लाइनें दिखाई देंगी, तो हम लोग वो बना लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। अब हम इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने फ्रंट व्यू साइड व्यू और टॉप व्यू की डायमेंशन कर दी है। अब हम उसकी नेमिंग कर देते हैं।
दोस्तों इस प्रकार से हमारा गिवन ऑब्जेक्ट का थर्ड एंगल पोजीशन में फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू होना चाह रहे थे। दोस्तों डाइमेंशनिंग और नेमिंग मैंने क्रिएट की है, लेकिन आप लोग इंजीनियरिंग में इस तरह से बना कर लेते हैं, उस प्रकार से ही बना के लिखिए।